एक एक करके आगे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप अपने दिमाग में बैठाते हुए चले कि मैं इस साइड से हटा देता हूँ, पहले तो आप ये ध्यान कर लें ताकि अनुच्छेद आपके ध्यान में रहें और उन अनुच्छेदों को किस प्रकार से आप याद करके हुए अपना काम करते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया होगा, ठीक है, या कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में शामिल हो, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के लोकसभा व राज्यसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं, ये ध्यान रख लें, ये भी लिख लें आप, मनोनीत नहीं, सदस्य भाग लेते हैं, मूल संविधान में ये बात थी, लेकिन बाद में क्या किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली, दिल्ली पहले लिख देते हैं, दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के, पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं लेंगे, आप समझ गएंगे भाग ले सकते हैं और लेंगे में क्या फर्क होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे लेंगे, ठीक है। तो ये देखें पहले चुनाव क्या हो रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव में इन दोनों के द्वारा क्या किया जा रहा है, पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो तीन तरह के लोग हो गए, दोनों सदनों के, केंद्र शासित प्रदेशों के दूसरी कैटेगरी में, और तीसरी कैटेगरी में कौन शामिल हैं, राज्य विधानसभाओं के, जो मैंने आपको पहले बताई थी बात, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, अब इसमें विशेष बात यह है, यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है, या वहां चुनाव है या जो भी हो, यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग होने की स्थिति में पहली बात तो राष्ट्रपति का चुनाव टलेगा नहीं, रुकेगा नहीं, होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उस विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे, निलंबित है या भंग है,
नहीं लेंगे, चाहे उस चुनाव से पहले हो गया हो काम। यानी इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विलंब नहीं आए या उस प्रक्रिया में किसी तरह की कोई अवरोध नहीं आए, उसके लिए कहा गया है कि कोई राज्य विधानसभा अगर कार्य नहीं कर रही है या निलंबित है, भंग है, तो ऐसी पोजीशन में उसका इफेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव पर नहीं पड़ेगा, विघटित हो जाए, निलंबित हो जाए। अभी इस व्यवस्था का क्या लाभ है, अगर हम देखें क्यों रखी गई है या सबको पार्टिसिपेट क्यों करवाएं, उसके लिए हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी भारतीयों का योगदान रहे। अब देखो, विधानसभा के कैंडिडेट भी आ गए, लोकसभा राज्यसभा के कैंडिडेट भी आ गए, और केंद्र शासित प्रदेश जो बच रहे हैं उनके भी कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जो कि भारतीय जनता का या भारतीयों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये पहला ही प्रश्न यहीं से आता है, ये प्रश्न आता है कई बार, कौन कौन व्यक्ति या किन किन व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट किया जाता है। मैंने यहाँ पर विधानसभा लिखी है, तो ध्यान रखें आप, थोड़ा सा 6 राज्यों में रह गई है अभी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैं लिख दूँ या आपको जो मैं बोल दूँ उसको बेफिजूल न मानिएगा, उसको ज़रा सा थोड़ा सा महत्व दीजिएगा, ठीक है, फिर याद आएगी, नहीं तो आपको बहुत कि काश मेरे कान साफ होते या सुन लिया होता। मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं और अपने ज्ञान का बखान करना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो जो चीज़ मैंने बता दी है उसके बाद आप जो ऐड करेंगे, मुझे बार बार मुझे कहना पड़ रहा है कि आपको ऐड करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक है, और ऐड करेंगे तो अच्छी बात है। राज्य विधान परिषदों के सदस्य, साफ लिख दूं थोड़ा सा, राज्य विधान परिषदों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, स्पष्ट लिख दूं। हालांकि स्पष्ट ये भी है, जब कह दिया दोनों सदन, क्या कह दिया गया है यहाँ पर, एक तो दोनों सदन भी लिख दिया मैंने कि निर्वाचित सदस्य ओनली, और मनोनीत नहीं, ये भी लिख दिया है, केंद्र शासित प्रदेश में से भी सिर्फ कौन से, दिल्ली और पुडुचेरी लिखा गया है। राज्य विधानसभाएं सारी हैं, लेकिन जो विघटित हो जाए उसकी बात नहीं कर रहे, और ऐसे ही राज्य विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेंगे, ये नहीं लेने वालों के नाम। अब कोई घुमाने के लिए पूछ लेंगे कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही नहीं लेंगे क्या, दोनों ही नहीं लेंगे, वहां भी सिर्फ कौन लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब आपको बता होना चाहिए कि मनोनीत कितने हैं राज्यसभा में, और यहां पर 2, ये भाग नहीं लेंगे, ठीक है, बाकी के सदस्य क्या ले सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं फटाफट, दूसरे में चलें, प्रक्रिया क्या होती है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है
एकल संक्रमणीयता जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली रेशनल प्रणाली की एकल संक्रमणीयता मत पद्धति से किया जाता है। ठीक है, इस प्रणाली का नाम पूछा गया है तो ये ध्यान रखें आप, कौन सी प्रणाली है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीयता मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब ये क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि एक कैंडिडेट है तो सारे वोट वरीयता किसको देंगे, अगर भाग ले रहे हैं तो इस एक को ही नंबर रखेंगे, नंबर वन। ठीक है, लेकिन अगर दो कैंडिडेट हैं तो भी क्या होगा, कुछ लोग इसको फर्स्ट वरीयता देंगे और दूसरे वाले को सेकंड वरीयता देंगे। ठीक है, अगर इसने न्यूनतम जो कोटा है वो प्राप्त कर लिया तो ये राष्ट्रपति बन जाएगा, और अगर इसको जिन्होंने प्रथम वरीयता दी लेकिन उन्होंने इसके न्यूनतम कोटे तक इसको नहीं पहुंचा पा रहे हैं, मान लीजिए 100 में से अगर 36 नंबर चाहिए तो अगर 36 लोगों ने इसको फर्स्ट वोट नहीं दिया है, अगर दोनों को 36 मिल जाते हैं तो फिर देखा जाएगा ज़्यादा किसको मिल रहे हैं, इसको ज़्यादा मिल रहे हैं फर्स्ट वरीयता के वोट 36 से, या इसको मिल रहे हैं तो ये बन जाएगा, इसको मिल रहे हैं तो ये बन जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड को मिल गए और इसको 36 से कम मिले एक को तो ये सेकंड वाला बन जाएगा। समझ में आ रही है ना ये? लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 3, 4, 5 कैंडिडेट हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वरीयता अगर 36 लोगों ने इसको रख दिया, बाकी के लोगों ने 20 40 2 50 जो भी है, ठीक है, इस तरह से, तो अब जिसने फर्स्ट वरीयता पर इसको रखे थे वो 36 लोग ही हैं, लेकिन इस व्यक्ति को कई लोगों ने फर्स्ट वरीयता पर रख दिया तो ये चुन लिया जाएगा। और अगर यहाँ पर न्यूनतम वोट नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, मान लो 36 किसी को आए नहीं, 40 भी नहीं आए, सबके पास 30-30 आ गए मान लो, यहाँ आ गए और यहाँ आ गए, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर कोई 36 प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो जिसको अगर किसी ने इसको फर्स्ट वरीयता पर रखा था, ठीक है, और सेकंड पर यदि इसको रखा था, सेकंड वरीयता पर इसको रखा था तो वोट ऐड होते जाएंगे न्यूनतम कैंडिडेटों के। इन लोगों ने जिसे फर्स्ट वरीयता पर रखा वो तो कहीं नहीं है, चौथे नंबर वाला भी कहीं नहीं है और पाँचवें नंबर वाला भी कहीं नहीं है, तो सबसे लास्ट वाले की बात करेंगे अभी। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाले के जो ये वोट हैं वो अगर मान लो यहाँ तो मैं कर दूँ 2 और यहाँ मैं कर दूँ 7, ठीक है, या 8 कर देता हूँ, ठीक है, अब देखो आप ठीक है, अब भी नहीं होगा। अब इसकी जो वरीयता है या जिसको इसने फर्स्ट पर रखा वो तो कौन सा नंबर है, पांचवें पे आ रहा है वो। जब वोटों की काउंटिंग की गई तो जिन्होंने इसको फर्स्ट वरीयता दी थी वो व्यक्ति 5 है, ठीक है, अब ये कोटा यहाँ काम करेगा नहीं, तो इसके जो 5 वोट हैं वो अगर पांचों के पांचों
सेकंड वरीयता पर अगर उन्होंने एक नंबर वाले को रखा था तो उसके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात? न्यूनतम जिसको वोट मिले हैं वो न्यूनतम वोट जिसको सेकंड प्रेफरेंस दी गई है उसके अकाउंट में जुट जाएंगे। अगर मान लो इसमें तीनों, और मान लो इसी को दे दिया था, पाँचों के पाँच इसको नहीं मिले वो, ठीक है। अभी टोटल कितना आ रहा है? 100 वोट आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। अब 100 में लेकिन क्राइटेरिया क्या बदल गया? 33, 32, 25 और 11 कितने हो गए? 3, 5, 10 तो इसको 10 ही रख लो, ठीक है, कुछ नहीं मिला इनको। अब आगे देखें आप, अब क्या हो रहा है कि न तो अब इसके पास आए पूरे वोट, 36 मान लो चाहिए न्यूनतम कोटे के आधार पर, इसके पास भी नहीं आए और इसके काम नहीं आ रहे। तो अब क्या करेंगे? अब इसके वोटों को गायब कर देंगे, इसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो तो काम नहीं आ रही। अब अगर इसने सेकंड प्रेफरेंस पर अगर इसको 5 वोट दे दिए, या पूरे 10 भी दे सकता है, 2 इसको दे दिए 3 इसको दे दिए, तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से। फर्स्ट प्रेफरेंस काम नहीं आ रही है, तो जो सेकंड प्रेफरेंस इन लोगों ने जिसको सेकंड प्रेफरेंस दी थी, जरूरी नहीं सारे चौथे नंबर को ही सेकंड, यहाँ पर कॉमन क्या बात थी इन 10 में कि इन 10 लोगों ने इस चौथे नंबर वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, पहले नंबर फर्स्ट चॉइस इनकी ये था, ये कॉमन चीज़ है। लेकिन सेकंड चॉइस जो इनकी थी, यानी इनकी जो सेकंड चॉइस थी, वो देखो आप डिफरेंट है, किसी ने 5 पहले को दे दिए, किसी ने 2 दूसरे को, किसी ने 3 तीसरे को। सेकंड प्रेफरेंस पूरे के पूरे 10 भी इसको मिल सकते थे, ये भी ध्यान रखें आप। सेकंड चॉइस भी सेम हो सकती है, लेकिन होती नहीं कई बार, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। तो अब वो जो 10 वोट थे लास्ट नंबर वाले वो डिवाइड हो गए। अब क्या आ गए वोटों का रेशियो क्या आ गया? 38, 34 और 28। और ये 100 वोट हो गए पूरे। तो अब ये बन जाएगा कौन? राष्ट्रपति। यानी जिसको शुरू में सिर्फ 30 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा था, लेकिन न्यूनतम कोटा उसको मिल नहीं रहा था, तो जब दूसरे चरण का वोटिंग हुई या दूसरे चरण की काउंटिंग हुई, वोटिंग का काउंटिंग हुई, डिवाइडेशन हुआ, ठीक है, तो वो जो उनके जो वोट थे वो डिवाइड होते होते एंड में इसके पास सेकंड चरण तक पहुंचा जब ये, तो उसके पास न्यूनतम कोटे के वोट आ गए और वो क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया। दूसरे चरण में अभी तक कौन चुने गए हैं? मिस्टर वी गिरी, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति चुने गए हैं वो सारे प्रथम स्टेज में ही चुन लिए गए हैं, यानी पहली अवस्था में ही उनको न्यूनतम कोटा मिल गया था। लेकिन ये जो वीवी गिरी हैं, इन्हें क्या किया गया? सेकंड प्रेफरेंस के वोट के आधार पर चुना गया था, ठीक है ना। आगे चले, अब आगे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है न्यूनतम फखरुद्दीन अली अहमद, इसका ध्यान रखें, एक बार मैं आपको कंफर्म कर दूंगा फखरुद्दीन अली अहमद हैं या वीवी गिरी है। जहाँ तक मेरा ध्यान है फखरुद्दीन और वीवी में से एक है, तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा एक बार। वीवी गिरी पहले वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था और वो मुख्य राष्ट्रपति, मतलब वास्तव में राष्ट्रपति बनना चाहते थे, तो कार्यवाहक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और तब वो राष्ट्रपति चुने गए थे। जहाँ तक कन्फर्मेशन है मेरे को, 99% वीवी गिरी हैं। आगे चलते हैं, तो मत पद्धति की बात कर रहे थे हम इसकी। अब इसमें क्या होता है कि विधायक, एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है न्यूनतम कोटे से पहले, तो वहाँ की कुल पॉपुलेशन राज्य की, 3 फॉर्मूले काम आते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और वहाँ के विधायकों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो जो निकल के आएगा वो एक विधायक के मत का मूल्य होगा,
ठीक है। फिर एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। तो सभी विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य, सभी विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य किससे डिवाइड कर दिया जाएगा? इसको सभी सांसदों की संख्या से, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद। अब निकाल लीजिए आप, 245 में से दो गए तो 243 बच गए, 545 में से तो 543 बच गए, और 250 में से 12 घटा लेंगे तो कितने बच गए, 238। ठीक है, सांसदों की बात करें अपन तो इस तरह का आंकड़ा आता है और उस आंकड़े के आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है। अभी जो अनुपस्थित रहेंगे उनका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए सभी विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य और उसमें भी सभी सांसदों की संख्या जो निर्वाचित है उनका क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। इससे किसकी आ जाएगी, एक सदस्य की संख्या। अब न्यूनतम कोटा कैसे निकालेंगे, जितने भी वैध मत पड़ रहे हैं, न्यूनतम कोटा, पासिंग मार्क्स जिसको कहेंगे, अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ पर लिख लें पासिंग मार्क्स की तरह, ये न्यूनतम इतने तो आने ही चाहिए। वैध मतों की संख्या, डिवाइडेड बाय 2, किसका भाग दे दिया जाता है इसमें, 2 का। अब आप समझ ही सकते हैं, मान लो 100 वोट हैं और वैध मत उनमें से 50 पड़ रहे हैं तो उन कैंडिडेटों का भाग दे दिया जाएगा 2 का, और 2 का भाग देने के बाद जो संख्या आएगी उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो वह जो संख्या निकल कर आएगी उतने वोट कम से कम प्राप्त करने होंगे। तो ये 3 मेन फॉर्मूले हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हैं। एकल संक्रमणीयता मत पद्धति मैंने आपको बताई थी, उसके आधार पर इस तरह का न्यूनतम कोटा प्राप्त किया जाएगा, और जब तक कि वो राष्ट्रपति इस कोटे को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वो चुनाव प्रक्रिया क्या होगी, चलती रहेगी। और मैंने आपको बताया निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी चुनाव का सामना नहीं करना पड़ा था, नीलम संजीव रेड्डी, संजीवन रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति। आगे चलें, आगे हम बात करें पदावधि। अब पदावधि कितनी होती है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 साल की सरकार है ये। वहीं एक इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय या उन विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है,
ऐसा नहीं कि एक बार चुन लिया गया तो, वो भी किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। स्वयं इस्तीफा भी दे सकता है, यानी इसका मतलब हो गया जरूरी नहीं कि एक बार आप पद पर बैठ गए तो जबरदस्ती आपको बैठाया जाएगा, हटाया भी जा सकता है और आप स्वयं भी क्या दे सकते हैं? इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, तो पदावधि सामान्य परिस्थितियों में कितनी है? 5 वर्ष की, और अन्यथा समय से पूर्व हटाया जा सकता है और इस्तीफा भी दिया जा सकता है। पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है या निर्वाचित हो सकता है। हमारे राष्ट्रपति असंख्य बार भी लिख दें आप, राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। अर्थात पुनर्निर्वाचन पर कोई रोक नहीं है, अर्थात पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि आपको पता ही है अमेरिका में मैक्सिमम 2 बार, जबकि अमेरिका में अधिकतम 2 बार बन सकता है, अधिकतम 2 बार एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति कितनी बार? अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकता है, चाहे कार्यकाल पूरा करे चाहे अधूरा करे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान कर लें, अमेरिका या अमेरिका जो है वहाँ पर तो पाबंदी है 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति बनने पर, लेकिन यहाँ अपने यहाँ भारत में किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लें आप इसको, कोई प्रतिबंध नहीं है पुनर्निर्वाचन पर, और सामान्य कार्यकाल है 5 वर्ष का। अब देखें आगे राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं, और योग्यताएं मैंने ऐसे कहा था अयोग्यताएं, तो 68 अनुच्छेद कौन सा है? 68। योग्यताओं में सबसे पहली है वो भारत का नागरिक हो, कहाँ का नागरिक हो? भारत का नागरिक। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। उसके अलावा वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, इसके अलावा अब देखो वह किसी लाभ के पद पर क्या नहीं हो? कार्यरत नहीं हो। समझ में आ गई वह? अब लाभ का पद कहाँ कहाँ हो सकता है? संघ सरकार में, राज्य सरकार में, किसी भी प्राधिकरण में, सरकारी या गैर सरकारी। संघ सरकार में लाभ के पद पर ना हो, प्राधिकरण में, किसी भी प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति या राज्यपाल होना
वर्तमान राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद भी लाभ का पद नहीं है, या राज्यपाल होना लाभ का पद नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैंने हर बार आपसे बात कही है कि जो बात मैं कह दूँ उसका कहीं ना कहीं लिंक होता है। मैंने कहा कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो पहले क्या थे, बिहार के राज्यपाल। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राज्यपाल ऑफ बिहार, पूर्व राज्यपाल बिहार रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया कि वो राज्यपाल के पद पे रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर किसी संघ सरकार में होते किसी पद पर तो वो क्या हो जाते, उस पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, किसी लाभ के पद पर होने के कारण। तो ये इसकी क्या हो गई है, योग्यताएं हो गई किसकी, राष्ट्रपति की। आगे चले, अब शपथ कौन दिलाता है इसको, शपथ की बात करेंगे। पहले दशाएं देखें कार्यालय की। एक बात और ध्यान कर लें, याद कर ले उम्र को, नागरिकता को, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो, मतलब पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, मंदबुद्धि नहीं हो, इस तरह के कार्य नहीं करता हो, भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं रहा हो, सजा नहीं हुई हो, 2 साल से ज़्यादा दंड नहीं मिला हो, मतलब अपराध 2 साल की, और किसी प्रति निवारक प्रतिरोध के तहत जो सजा होती है उसकी बात नहीं कर रहे हम, अब राष्ट्रपति के पद का जो व्यक्ति होता है उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए संसद से। ठीक है, यानी उसका नाम रखने वाले और उनके नाम का समर्थन करने वाले लोग होंगे तभी वो नाम आगे बढ़ पाएगा, ये ध्यान रखें आप। सपोर्टर्स चाहिए कितने, कम से कम 100। आगे चलते हैं, अब मैंने अयोग्यताएं बताई हैं 68 में, अब आगे चलें 59 में क्या बात कर रहे हैं, इनकी दशाएं। किसी भी संसद की सदस्यता या राज्य विधायिका दशाएं या शर्तें, जो कि किसमें है 59 में, उन दशाएं संसद राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लाभ के पद का, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, वहाँ इसलिए बताया गया था कि राष्ट्रपति राज्यपाल का पद धारण कर सकता है उस पद की गरिमा के। आगे चलें, इसके बाद है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है इनकी, निर्धारित वेतन भत्ते परिलब्धियां प्राप्त होंगी। राष्ट्रपति के, कौन निर्धारण करता है, संसद ही निर्धारण करता है, राष्ट्रपति के वेतन भत्तों और परिलब्धियों में पद के दौरान या दायित्वों के दौरान, एक बार पद धारण कर लिया तो उसके दौरान, पद के दौरान
कटौती नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी। परिलब्धियों में पद के दौरान कटौती नहीं की जाएगी, ये कुछ इनकी शर्तें हैं, ठीक है। इस प्रकार हमें एक एक चीज को ध्यान करते हुए चलना है ताकि हमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। ये भी लिख ले, मैंने अभी बताया, जो वर्तमान में वेतन लगभग 5 लाख रुपये पर मंथ है अप्रैल 2018 से, ऐसे लिख देता है। ठीक है, कौन निर्धारित करता है? संसद। कितना है? 5 लाख। किसका? राष्ट्रपति का। क्या वेतन? राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति है। आगे चलें, याद कर लिया होगा आपने। पांच लाख रुपए वेतन है पर मंथ। आगे चलें, शपथ। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। सुप्रीम कोर्ट शब्द वैसे तो ठीक है लेकिन हिंदी का नहीं है, या तो अंग्रेजी या हिंदी। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, उसकी अनुपस्थिति में कौन दिलवाएगा? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश ठीक है। और इसमें ध्यान रखें, इस्तीफा तो किसको देता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो फिर मुख्य न्यायाधीश। आगे चलें, और शपथ किसकी लेता है? संविधान एकता व अखंडता को बनाए रखने की, संविधान के पालन की और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने की। ठीक है, तो आज आपका ये मुख्य कार्य यहाँ तक हो गया है, जो जो हमको आवश्यक रूप से चाहिए था। अब जो अगला जो इम्पोर्टेंट विषय है या बिंदु है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले आप इसको थोड़ा थोड़ा करते चलें, याद होता जाए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैंने सारे अनुच्छेद लिखवाए हैं और उन्हीं के अनुसार मैं आपको बताता चल रहा हूँ। एक प्रश्न आ ही जाता है, महाभियोग पर 150 शब्दों के लगभग आ सकता है, उसको फिर आगे करेंगे।